मध्य प्रदेश के छतरपुर से खौफनाक खबर है। यहां रेप और हत्या के आरोपी ने एक पहाड़ी पर पुलिस के सामने खुद को गोली मार ली। उसकी खुदकुशी का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में वह पूछी गांव की पहाड़ी पर खड़ा दिखाई दे रहा है। कुछ देर बाद वह खुद को गोली मार लेता है और जमीन पर गिर जाता है। मृतक का नाम भोला अहिरवार है। इस घटना के बाद पुलिस ने पूरा इलाका घेर लिया है। मीडिया को भी मौके पर जाने से रोका गया है। बता दें कि मृतक वही आरोपी है जिसने 7 अक्टूबर को एक ही परिवार के 3 लोगों पर गोलियां चलाई थी। उसकी गोली से एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। दो महीने पुराना एक बलात्कार का जो आरोपी है उसको आज पुलिस को सूचना मिली थी। कल उसने पीड़िता के ऊपर और उसके परिवार के लोगों के ऊपर आत्मघाती फायर किया था, जिसमें एक उसके पीड़िता के दादाजी की डेथ हो गई थी और 2 लोग घायल हुए हैं और एक बच के वहां से उसकी बहन जो है भाग कर निकली। उसके बाद से ही पुलिस की टीमें इस आरोपी के पीछे लगी हुई थी। हर तरह से इसको तलाश किया गया था, बाहर के स्थानों पर भी और लोकल स्थानों पर भी। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग कुछ खबर मिली थी कि इस आरोपी की लोकेशन इस पहाड़ी के आसपास में है, तो SP साहब ने पूरी तत्परता से तत्काल सारी टीमें यहाँ पोजिशन करी और उन्होंने जब इसको आत्मसमर्पण के लिए ललकारा तो उसने पुलिस के ऊपर 2 राउंड फायर किए। पुलिस ने जवाबी फायर में 4 राउंड उसने पुलिस ने फायर किए। जब आरोपी ने देखा कि वो पुलिस तरह से घिर गया है तब उसने फिर अपने आप को कनपट्टी पर गोली मार के आत्महत्या कर ली। यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो आरोपी है उसने जब पाया कि पुलिस से पूरी तरह से घिर चुका है और उसके भागने की कोशिश की, ये सब अभी जांच के विषय है, उसको हम तहकीकात कर रहे हैं।